आज हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेंगे। स्क्रैच छोटे बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है और इससे संबंधित सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल मटेरियल MIT के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। इसके बारे में विकिपीडिया में जो आर्टिकल है उसकी एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्क्रैच इज ए फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू इजीली क्रिएट एनिमेशंस एंड प्रोवाइड ए स्टेपिंग स्टोन टू द मोर एडवांस्ड वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो 8 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पहचान कराने के लिए यह एक बहुत ही मनोरंजक एनवायरनमेंट है। इसकी वेबसाइट का नाम है scratch.mit.edu। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट खोलना चाहिए। यह फ्री सर्विस है। आप इसमें अपना अकाउंट खोलते हो तो इसके ऑनलाइन एडिटर में आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो वह इस वेबसाइट पर सेव करके रखा जाता है, ताकि अगली बार जब आप लॉगिन करो तो आपने पिछली बार किए हुए सारे प्रोग्राम्स आपको सेव किए हुए दिखाई देंगे। यह वेबसाइट खोलने के बाद ऊपर की ओर क्रिएट नाम का एक लिंक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ऐसा करने पर स्क्रैच का ऑनलाइन एडिटर ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एडिटर इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसके अलावा स्क्रैच का एक ऑफलाइन एडिटर भी है, जिसके इस्तेमाल के लिए आपको इंटरनेट के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। स्क्रैच का ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड करने के लिए गूगल में स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर ऐसे लिखकर सर्च करें तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर MIT। तो इस जगह पर क्लिक करके आप स्क्रैच का ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड कर सकते हो। यह मैकिंटोश और विंडोज़ और साथ ही लिनक्स पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कैट के चेहरे वाला डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकॉन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो इसका ऑफलाइन एडिटर आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसके ऑफलाइन एडिटर का इस्तेमाल करके इंटरनेट के कनेक्शन के बिना भी इसके प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर सकते हो। आपने ऑफलाइन एडिटर में बनाए हुए प्रोग्राम्स आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर सेव करके रख सकते हो, और साथ ही आप चाहो तो उसे ऑनलाइन भी सेव कर सकते हो। तो आज हमने स्क्रैच के ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटर के बारे में जानकारी ली। इसके आगे वाले वीडियोज़ में हम स्क्रैच के एडिटर के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे।